लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के एपीएमसी इलाके के गटर से कई टुकड़ों में कटी हुई एक लाश बरामद हुई है। हालांकि यह व्यक्ति कौन है, कैसे इसकी मौत हुई, अभी तक इसका खुलासा होना बाकी है। लाश का सिर और धड़ लापता है। बताया जा रहा है कि यह लाश एक नीली थैली में बहते हुए एपीएमसी तक आई है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए डीसीपी सुरेश मेंगड़े ने कहा कि प्राथमिक तौर पर यह जघन्य हत्या का मामला लगता है। फिलहाल एपीएमसी पुलिस ने इस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है। देखिए रिपोर्ट। कल पता चला सुबह कि एपीएमसी पुलिस स्टेशन के इलाके में एक डिच में, जिसका ढक्कन खुला हुआ था रोड साइड में, उसमें कुछ प्लास्टिक बैग में कुछ इंसान ह्यूमन बीइंग के बॉडी पार्ट्स मिले हैं, जिसमें कुछ थाइज है, पाव है, जिसमें कुछ दो हाथ है, और ये सारे शार्प वेपन से कट किए हुए मिले हैं। पूरा दिन कल नई मुंबई पुलिस ने खोज की आजू बाजू के इलाके में बाकी पार्ट्स बॉडी के मिलने की, लेकिन कल तक हमें उसमें कामयाबी नहीं मिली है। हम ढूंढ रहे हैं इसके बॉडी पार्ट्स और कोशिश भी कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने की। बॉडी को जो पार्ट्स में हैं उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, हॉस्पिटल में भेजा है, उसका डीएनए सैंपल वगैरह लेने का काम चालू है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए। फिर भी प्रथम दर्शनी जो सामने दिखा है, इससे लगता है कि किसी अज्ञात आदमी का अज्ञात आदमी ने उसको किसी अज्ञात रीजन की वजह से उसको जान से मार डाला है, और उसका जो एविडेंस है वो नष्ट करने की पूरी कोशिश की है। तो इसके लिए एपीएमसी पुलिस स्टेशन में 302 और 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कराया है, और नई मुंबई पुलिस जल्दी इसकी उकल करेगी। ये कोई मजदूर हो सकता है, कोई लेबर भी हो सकता है, लेकिन हमारी टीमें काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इसका पर्दाफाश करें। हमने सारे पुलिस स्टेशन को मैसेज भी दिया है कि जहाँ कोई मिसिंग है, हमने लोगों को भी अपील किया है कि भाई किसी का कोई मिसिंग है तो उसके बारे में वेरीफाई करें। हम खुद कर रहे हैं, फिलहाल तो जनता के अलावा हमारा ही ज़्यादा रोल है, तो हम खुद अलग अलग पुलिस स्टेशन में जो मिसिंग्स है उसका पता कर रहे हैं।